जैन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजय महतो ऑफिशियल में। तो फिर आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोग, क्योंकि मैं आज आप सबके बीच डिस्कस करने जा रहा हूँ झारखंड पुलिस कांस्टेबल, झारखंड पुलिस सिपाही नई भर्ती को लेकर। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, कुल जो है लगभग 5013 पदों का विज्ञापन बहुत जल्द झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है विज्ञापन जारी करने जा रही है। तो आप सभी इतना दिनों से जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतना दिन से वेट कर रहे हैं कि आखिर झारखंड पुलिस सिपाही के भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। तो लीजिए, आप सबों के प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड जितने सारे डाउट हैं, इस वीडियो में आप सबका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, बगल बेल आइकन घंटी के निशान होगा उसको प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाले इसके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए आज का जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया है, बहुत जल्द जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, लगभग जो है 5013 पद जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही आरक्षी पदों का सीट जो है अभी रिक्तियां खाली पड़े हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, 5013 पदों का जो भर्ती का विज्ञापन आएगा, जैसा कि गृह विभाग ने जो है आयोग को अधिसूचना जारी कर दिया है, बहुत जल्द जो है भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो मैं आप सबों को यही सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग जिस लगन से, जिस मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उसको बी कंटिन्यू यानी उसको जो है लगातार जारी रखें, क्योंकि आपका जो मेन है वो है रिटर्न एग्जाम, लिखित परीक्षा से आपका मेरिट बनाया जाएगा। फर्स्ट आपका फिजिकल होगा, फिजिकल आप जैसे ही क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम यानी लिखित परीक्षा ही आपका मस्ट है। फिजिकल में आपको किसी तरह का जो है अंक, जो मेगा सूची के लिए जो अंक दिए जाएंगे उसमें आपको किसी तरह का अंक नहीं दिया जाएगा। जो भी अंक दिए जाएंगे वो है लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम से। इसलिए सबसे मस्ट जो है वो है रिटर्न एग्जाम लिखित परीक्षा। इसलिए इसमें जो है आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप जितना अंक लाओगे उसमें आपका जब मेरिट बनाया जाएगा, जब मेगा सूची तैयार किया जाएगा, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है मिलेगा। इसलिए आपको रिटर्न एग्जाम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है। सिलेबस मैंने बताया हुआ है, मेरे चैनल में विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सिलेबस झारखंड पुलिस सिलेबस लिखिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग उस आधार से तैयारी कीजिए, देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है मिलेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, आप लोग जो है सेल्फ स्टडी, ग्रुप टेस्ट, वीकली टेस्ट, ग्रुप डिस्कस, इस तरह से जो है तैयारी कीजिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कमजोरी है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग या फिर जीके जीएस, तो आप लोग क्लास कर सकते हैं। जो आपके नज़दीकी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ आप जो है ट्यूशन ले सकते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है इस सब्जेक्ट में मेरा जो है कमजोरी है, तो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि आप अगर किसी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हो, सारे प्रश्न सारे क्वेश्चन अगर आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, तो उस पेपर को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको जिस पेपर में दिक्कत होता है, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है, जैसा कि मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, हिंदी, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है, उस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो, फाइट करो एग्जाम, तो आप जो है उसको इजीली, जितने सारे प्रश्न आएंगे, लगभग लगभग जो है सारे क्वेश्चन सारे प्रश्न का सॉल्व जो है आप इजीली कर लो। इसलिए जिस सब्जेक्ट में आपका वीकनेस है, कमजोरी है, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, मैथ रीजनिंग काफ़ी झारखंड के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें बहुत ही कम मैथ रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, जीके जीएस, झारखंड जीके, हिंदी, ऑल ओवर इंडिया के जो जीके हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप झारखंड के कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ जीके जीएस, झारखंड जीके, हिंदी, इसी विषयों में जो है ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है मिलेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, जैसा कि झारखंड पुलिस में कुल स्वीकृत पदों, आरक्षी पदों का जो संख्या है वो है 28,403, उसमें आपका जो है खाली यानी रिक्त कितने पद जो है खाली पड़े हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें जो आपका 5,013 पद जो है अभी खाली पड़े हैं विभाग में। तो इन्हीं 5,013 पदों का विज्ञापन जो है बहुत जल्द झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है जारी करने जा रहा है, विज्ञापन जो है निकालने जा रही है। सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, बस विज्ञापन आने का देरी है। तो आप लोग जो है तैयार रहे, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ग्रुप स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टेस्ट, वीकली टेस्ट, जो भी हो सेल्फ स्टडी, जो जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से तैयारी कीजिए। बट आप जो है मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए, अच्छे तरह से ध्यान दे के मेहनत कीजिए, आप अपना 100% दीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फायदा मिलेगा। जब आप रिटर्न एग्जाम फेस करोगे, जब आप रिटर्न एग्जाम लिखने जाओगे, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आप जितना मेहनत करोगे, जब आप लिखित परीक्षा लिखोगे, उस समय आपको उतना ही आसानी
होगी। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग रिटर्न एग्जाम जो भी सिलेबस है हिंदी झारखंड जी के ऑल ओवर इंडिया जी के मैथ रीजनिंग जो भी सिलेबस है आप लोग अच्छी तरह से उसको उसके आधार पर जो है तैयारी कीजिए। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, आप जो है 100% ज्वाइनिंग करोगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे, बगल बेल आइकन घंटी का निशान होगा उसको प्रेस कर दे ताकि जो हमारे आने वाले इसके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।